कांग्रेस के दिग्गज नेता नाथुराम मिर्धा की पुत्री ज्योति मिर्धा ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। भाजपा में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया था और भाजपा में शामिल होकर सच्चे सिपाही के रूप में काम करूंगी। ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उत्तर भारत में एमरजेंसी के समय जो एकमात्र सीट जीते थे, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अनेक काम किए, ऐसे नाथुराम मिर्धा जी के परिवार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से ज्योति मिर्धा जी का, जो 2009 से 14 सांसद रही और सवाई सिंह जी जिनके पिताजी विधायक रहे, प्रधान रहे, ये भी चुनाव लड़े, दोनों का मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नेता नीति नियत और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर, जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है, जहां मजबूत नेतृत्व है, ऐसी पार्टी का दामन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार करते हुए माननीय ज्योति जी ने और सवाई सिंह जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।